हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में पढ़ाई की थी, और आज की क्लास में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हम लोग वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग दोनों डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या चीज़ होती है? ये एक आइडियल बॉडी होती है जो कि एमिट यानी कि रिलीज कर सकती है या फिर एब्जॉर्ब कर सकती है वो रेडिएशन सभी फ्रिक्वेंसीज की या वेवलेंथ की। तो यानी कि जो सारी फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और एमिट भी कर सके, उस बॉडी को, उस परफेक्ट बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और जब वो एमिशन करती है रेडिएशंस का, तो हम लोग उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन हो गई कि क्या चीज़ है, लेकिन अब इसका कंसेप्ट क्या है वो आप डिस्कस करते हैं। हमारे पास सपोज करो एक आयरन रोड है, एक हमारे पास आयरन रोड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। जब हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन रोड को हीट करना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हीट करते जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले जो उसका कलर है वो रेड हो जाता है, उसके बाद फर्दर हीट करने पर जो कलर है वो येलो हो जाता है, फिर वाइट हो जाएगा, और फिर आपका वो जो रोड है वो ब्लू कलर की हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूसली कलर में चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे आप हीट एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हो। अब हमें पता है जो वेव रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो लैम्डा मैक्सिमम है। तो यानी कि इधर जाते हुए जो लैम्डा है वो क्या होता जा रहा है, मैक्सिमम से मिनिमा यानी कि कम होता जा रहा है। और जो फ्रिक्वेंसी है वो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो फ्रिक्वेंसी मिनिमम से क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। तो यानी कि इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आप किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हो तो उसकी जो वेवलेंथ है या फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होती जा रही है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन है हमारी। लेकिन अब वेव थ्योरी क्या कह रही है, वेव थ्योरी ने क्या कहा, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूसली होती है, कंटिन्यूस होती है एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होगी किसी भी पार्ट किसी भी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब होगी या फिर एमिट होगी, वो क्या होगी, कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस मतलब जैसे हमने बात की थी पिछले सेशन में भी कि एक जैसे ए से बी आप जाना चाहते हो तो कहीं पे कोई गैप नहीं है, हर वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ क्वांटाइजेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे ए से बी में जाना है तो एक कंटिन्यूसली रास्ता नहीं है, बीच बीच में क्या है, गैप्स हैं। मतलब कि ए से यहाँ पे जाना है B1, फिर ये वाला रास्ता हो गया B2, फिर B3 हो गया, और फिर ये लड़की से B4 हो गया, बीच में गैप है, यहाँ पे रास्ता पॉसिबल नहीं है। तो वेव थ्योरी कह रही है कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी या जो एमिट होगी वो कंटिन्यूसली होगी, कंटिन्यूस फॉर्म में होगी, और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के। और इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे वो डिपेंड नहीं करेगी। फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी। ये वेव थ्योरी थी। तो अगर ये वेव थ्योरी की बात सच साबित होती कि एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो कंटिन्यूस है और वो इंटेंसिटी पे प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी तो बदलनी नहीं चाहिए थी,
पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जब आप किसी आयरन रोड को हीट कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो और वो वापस एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो उसमें जो कलर है वो चेंज हो रहा है। कलर चेंज का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता, वो तो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता तो कलर में चेंज नहीं होना चाहिए था। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास रेड कलर है, अगर रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि रेड कलर और ज़्यादा रेडिश हो जाएगा, और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। लेकिन कलर चेंज नहीं होगा, उसका सिर्फ शेड चेंज होगा। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा था, उसका शेड नहीं चेंज हो रहा था, उसका मतलब शेड तो चेंज हो रहा था लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके वो अपना कलर भी बदल रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वेव थ्योरी की एक्सप्लेनेशन गलत है, कुछ ना कुछ इस थ्योरी में कमी है जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन सही तरीके से मैच नहीं हो रही। तो उसी के लिए पार्टिकल नेचर की जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई प्लैंक्स सर के द्वारा, और उन्होंने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पर दिया। मैं अभी आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एक प्लॉटिंग है जो यहाँ पे हमें समझनी है कि कैसे जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, और इस ग्राफ को रीड यहाँ से करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या हो रहा है, आप देखोगे अपनी बुक में भी ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो हो रहा है वो कम हो रही है, इस तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और जो इंटेंसिटी है आई वो बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट पर आके इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, सपोज करो यही वो पॉइंट है, इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। फर्दर वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो आप देखोगे कि जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती जाएगी, लाइक ऐसे बना देते हैं इसको। तो मैं इस ग्राफ को अगर रीड करता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, वेवलेंथ पहले कम हो रही है, कम 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 हो रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। इंटेंसिटी क्या हो रही है, पहले इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो गई, और फिर क्या हो रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और उसके राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन पे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये तो पॉइंट ये हो गया, और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो सपोज कर लेते हैं किसी टेम्परेचर T1 की, जो हमारी बुक में मतलब बताया गया है। उसके बाद एक और कर्व ड्रॉ किया गया है कि अगर मेरे पास किसी टेम्परेचर T2 की बात करूँ मैं, तो कर्व जो है वो लाइक दिस इस तरीके से हमारे पास बन जाए। यहाँ पर भी अपने को क्या पता चलता है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि ये टेम्परेचर T2 होगा, सपोज करो कि वेवलेंथ कम होती जा रही है तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाके जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गई, और फिर अगेन वो कम होती जाएगी जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जा रही है। हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले रेड कलर था और फिर उसके बाद येलो कलर हो गया, तो इसका मतलब क्या था कि जो वेवलेंथ है वो पहले रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है और येलो की कम होती है, तो वेवलेंथ ज़्यादा से कम हो रही है, तो ज़्यादा से कम हो रही है वेवलेंथ यहाँ पे, तो जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके उसने फिर डिक्रीज होना है। तो अपने ग्राफ को इसको रीड कैसे करना है, राइट से लेफ्ट जाते हुए रीड करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारी बुक में कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम होके वो दोनों तरफ कम क्यों होती जा रही है, तो ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि पहली वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, एक स्टेज पे आके मैक्सिमम होगी, और फिर वो फर्दर डिक्रीज होने पर वेवलेंथ और कम होती जाएगी इंटेंसिटी। ये हम लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये तो चीज़ होगी। ओके, उसके बाद प्लैंक ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि जो कलर चेंज वाली बात थी, उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी को जब आप एनर्जी दे रहे हैं या फिर वो एमिट कर रही है, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर रहा, वो
प्लैंक ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होगी। वहाँ पर जो कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को या तो ले रहा है या फिर एमिट कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है। जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होगी? पैकेट्स की फॉर्म में होगी। पैकेट्स की फॉर्म में होगी क्या चीज़? एनर्जी, या तो वो एब्जॉर्ब होगी या फिर एमिट होगी। आप इसको क्या समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि इसमें से वन वैल्यू पॉसिबल है, टू पॉसिबल है, थ्री पॉसिबल है, फोर पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कहो कि 1.001, 1.002 तो ये वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। तो मतलब अब ये कह सकते हैं समझने के लिए, तो मतलब नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हैं, ऐसे लगा लो कि नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हैं बट रियल नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में वन और टू के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ गए और हर नंबर पॉसिबल है, तो वो नहीं होगा। पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया क्वांटम। क्वांटम सबसे छोटे पैकेट को उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटम दिया, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटम दिया। और अगर हम लोग इसकी प्लूरल फॉर्म की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटम। तो ये चीज़ है, ये सिंगल एक पैकेट के लिए, और जो मल्टीपल की बात करेंगे तो क्वांटा शब्द का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो अब इसके लिए प्लैंक ने एक फॉर्मूला तैयार किया, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया कि कोई भी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, वो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी? एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच जहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक स्पेलिंग तो देख लें, L-A-N-C-K, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻¹⁰, आई थिंक 6.6 × −34 जूल सेकंड। एनर्जी ई और न्यू हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इन केस अगर मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तो या तो मैं पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं या फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दूं। तो यहां से भी देखिए क्या चीज है कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये हम लोगों को याद रखनी है कहानी। ओके, तो ये हमारे पास डन हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं पापा, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड वो फिनोमिना था जिसको पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट में क्या था, सिंपल वे में समझो, यहां पे सपोज करिए दो मेटल रोज है और इसको एक ग्लास ट्यूब में हमने पुट किया हुआ है, यहां पर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, मतलब कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, यहां पे कनेक्शन दिया हुआ है, हमने एक बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब हुआ क्या कि इस रोड के ऊपर लाइट की रेडिएशंस यहां पर रिलीज की गई, और देखा गया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जिसको हम लोग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं,
न्यू नोड उस फ्रिक्वेंसी की जब लाइट एमिट करती है यहाँ पर रेडिएट होती है तो फिर वो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करके दूसरे रोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब एक मिनिमम अमाउंट यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो यहाँ पर इसके ऊपर आकर गिरेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कोई पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस सरफेस से बाहर आ जाएगा और वो ट्रैवल करना शुरू कर देगा इसकी तरफ। क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर यहाँ पर ये पार्टिकल्स ना होते, अकेला वेव ही होता, तो फिर इसका मतलब क्या था कि जितनी भी एनर्जी थी इस वेव के पास वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था, आपके पास अगर पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देगा, एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा, उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज़ है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मैंने बात की कि एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अगर हमारा फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, अगर हमने जो फ्रिक्वेंसी दी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता, कोई एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे आप कह सकते हैं कि 100 में से 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो अगर आपके मार्क्स लेट मी से 31.5 आए हैं तब भी वो आपको क्या कैट माना जाता है, फेल माना जाता है। तो उसी तरीके से अगर इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव आ रही है तभी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। अगर उससे वैल्यू कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। और ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि जो आपने यहाँ पे ये मेटल इलेक्ट्रोड लिया है वो किस नेचर का है, किस मटेरियल का है। जितनी ज़्यादा ये वाली वैल्यू हाई होगी उतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या ज़्यादा एनर्जी की लाइट या फोटोन देना पड़ेगा। जो मैं पार्टिकल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसिकली वो क्या है, वो फोटोन है। तो यहाँ से एक आइंस्टाइन ने इक्वेशन जनरेट की, उन्होंने क्या जनरेट किया कि सपोज कर लो फाई नोड एच न्यू नोड है, इसको आप लिखते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या है कि जिस मेटल की आपने इलेक्ट्रोड ली है उसको इतनी एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी, इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मेटल है, मेटल को इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। एच न्यू नोड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इंटू एच, जिसको मैंने पहले ई लिखा था मैंने फाई नोड लिख दिया क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द मेटल है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। और एक नोटेशन और है फाई एच न्यू, ये क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो लाइट यहां पर आ रही है उसके अंदर फोटॉन्स हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी हमने क्या लेट कर ली, एच न्यू नोड लेट कर ली। यानी कि जितनी एनर्जी इसके पास है आप ये कह सकते हो वो फाई नोड है और जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो फाई है, दैट इज एच इन टू न्यू नोड। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की। अब यहाँ पे केस अराइज होते हैं फाई माइनस फाई नोड इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज है वो डिस्कस हम लोग करते हैं। पहला केस देखिए, इफ फाई इज इक्वल टू फाई नॉट देन हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। देखिए क्या चीज है,
ये मेरे पास इक्वेशन है, फाई माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो फाई है, या फोटोन की जो एनर्जी मेटल के पास आ रही है उसमें से फाई नॉट तो एनर्जी जो है वो मेटल को चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर सके। एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच गई वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जो क्या चीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उसने फोटोन से एनर्जी ले ली, तो जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो जो बाकी एनर्जी बच गया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे हमने केस बनाए हैं। सपोज करो पहला केस क्या है कि अगर जितनी एनर्जी चाहिए हम लोग उतनी ही एनर्जी दे रहे हैं, मतलब फोटोन की एनर्जी और मेटल के वर्क फंक्शन की एनर्जी अगर इक्वल है तो क्या होगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट होकर ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सरफेस है मेटल सरफेस, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर तो हो जाएगा लेकिन वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास कि वो आगे मूव कर सके। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना जो कनेक्शन है वो मेटल से तोड़ चुका होगा क्योंकि आपने उसको उतनी एनर्जी दे दी है जितनी कि उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन हालांकि वो आगे फर्दर मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि एनर्जी एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है। सेकंड केस देखिए, ये फर्स्ट केस था, अगर फाई फाई नोड से ज़्यादा, अब फाई की वैल्यू फाई नोड से बड़ी है, सपोज कर लो फाई की वैल्यू है 5 जूल और फाई नोड की वैल्यू है 4 जूल, तो क्या होगा, फाई में से अगर आप फाई नोड माइनस करोगे, फाई में से 4 गया 1 जूल, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा आउटवर्ड फ्रॉम द मेटल एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ मूव कर लेगा क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी अभी बची है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा एनर्जी उसके पास आ गई, तो फिर वो उस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करेगा और वो मेटल की एटम से बाहर हो जाएगा। तीसरा केस करेंगे, थर्ड केस हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। थर्ड केस में क्या है, फाई जो है वो फाई नोड से छोटा है, इसका मतलब अब क्या हो गया, सपोज करो फाई की वैल्यू 4 जूल है और फाई नोड की वैल्यू 5 जूल है, तो फाई माइनस फाई नोड करोगे तो माइनस का 1 जूल आ जाएगा। तो यानी कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वही बात होगी, अगर आपके 29 मार्क्स आ रहे हैं, चाहिए थे 33, तो आपके वो मार्क्स जुड़ेंगे ही नहीं क्योंकि आप एग्जाम में पास ही नहीं हुए हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जब उतनी एनर्जी मिली ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री हो गया, फ्री हो ही नहीं सकता, और काइनेटिक एनर्जी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बहुत यूज़ होगा। अभी इसी की कुछ और फॉर्म भी हैं जो बन सकती हैं इसी फॉर्मूले से, अगर हम लोग इसकी फॉर्म बनाएं, जो फाई है वो क्या है, एच न्यू, फाई नोड क्या है, एच न्यू नोड, और ये इक्वल टू किसके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल है, एच अगर आप कॉमन ले लोगे तो न्यू माइनस न्यू नोट हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन वेव लेंथ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लैमडा, और इसको लिख सकता हूँ सी अपॉन लैमडा नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो सी हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो 1 अपॉन लैमडा माइनस 1 अपॉन लैमडा नोड इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये भी एक रिलेशन है जो बन सकता है
और यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है दिस इज़ कॉल्ड थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, जो कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे एक और फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे इसी इक्वेशन की हेल्प से, और वो फार्मूला क्या होगा देखते हैं। अब हम लोग ने देखा कि जैसे एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं जो भी अपन ने बनाया था, कि लाइट यहाँ पर आएगी और सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना शुरू कर दिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब ये सिनेरियो है हमारा कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ना पहुँचे, हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुँचे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग ऐसा पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना पहुँच पाए। अगर अपन नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे जिनकी स्पीड हाई होगी, लेकिन अदरवाइज जिनकी स्पीड भी नॉर्मल होगी और यहाँ पे अगर पोटेंशियल भी हाई नेगेटिव होगा तो वो रिपल्शन होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो वहाँ पर जो करंट होगा फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट वो ज़ीरो होगा। तो उस चीज़ के लिए क्या चीज़ करते हैं हम लोग कि हम लोग एक पोटेंशियल वी नोड अप्लाई करते हैं जिसको आपका बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम लोग लगा रहे हैं उसका फॉर्मूला है वी नोट मल्टीप्लाई ई एनर्जी टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो एनर्जी दी गई है वो ई वी नोट है, और ये जो ई वी नोड होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहा है और हम लोग इसी स्पीड को तो ज़ीरो करना चाहते हैं। तो फिर क्या तरीका है, अगर आप इसको ज़ीरो करना चाहते हो, इसको रोकना चाहते हो, तो आपको उसके उलट उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ई वी नोड वही इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाता है, फाइव माइनस फाइव नोड इज इक्वल टू ई वी नोड। अगर आपको याद हो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा था तो उसको रिप्लेस कर दिया ई वी नोड से। इस कंडीशन पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। और अगर मैं इसको एच न्यू लिख दूँ, इसको एच न्यू नोड लिख दूँ, तो ये चीज़ आ जाएगी, एच क्या आ जाएगा कॉमन, और इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में फॉर्मूला बन गया, ये फ्रिक्वेंसीज हैं और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और हम लोग को एक और चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। लाइन लिख लेते हैं प्रॉपरली, पहली बात याद रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन उस पर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ से क्लियर है, जितनी ज़्यादा म्यू ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा बड़ा होगा और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। हालांकि वो क्लियर ही है लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं, इसको कांटा लगा दियो कि डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। सेकेंड बात जो हमें याद रखनी है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड depends on intensity of light। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गिनती जो बाहर निकल रही है वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स।
तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे काउंटिंग में, क्लियर है, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंट्रैक्शन होगी और उतने ज़्यादा वो निकलने के चांसेस हैं। लेकिन वो एक्चुअली में कितने निकल पाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है थ्रेशहोल्ड वैल्यू पे। तीसरी बात जो अपन लिखने वाले, वही बात लिखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड ओनली इफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट रेडिएटेड ऑन मेटल सरफेस। तो अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जो लाइट रेडिएट कर रही है मेटल सरफेस के ऊपर, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो वेव थ्योरी की ये भी एक ड्रॉबैक थी, इसीलिए तो वेव थ्योरी यहाँ पे फेल हो गया, इस कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्योंकि वेव थ्योरी तो ये कह रही है कि हर टाइप की एनर्जी एमिट हो सकती है, रेडिएट हो सकती है। तो वो कह रहे थे कि किसी भी फ्रिक्वेंसी पे या वेवलेंथ दे दो आप, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी बाहर निकलेंगे अगर एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू फ्रिक्वेंसी की अवेलेबल होगी, अदरवाइज वो नहीं इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने वाले। तो इस पॉइंट से भी जो वेव थ्योरी थी यहाँ पर क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, और इस वजह से पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर कंसेप्ट आया। तो आई जस्ट होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।